हेलो टू ऑल ऑफ यू आरएससीआईटी की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट नंबर 3 देखते हैं, यानी आरएससीआईटी बुक का जो चैप्टर 3 है उसका थर्ड असेसमेंट देखते हैं और साथ ही साथ में थर्ड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, कंप्यूटर को बूट करना का अभिप्राय क्या है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर को बूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर को चालू करना। आप सीपीयू का पुश बटन दबा के सबसे पहले मेन स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, वो तो मेन स्विच ऑन करना हो गया, फिर आप सीपीयू का बटन पुश करते हैं ना, तो आपका कंप्यूटर चालू हो जाता है। तो बस यही चीज़ क्या होती है, कंप्यूटर को बूट करना कहलाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को बूट करने से अभिप्राय होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कोर्टाना डैश की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोर्टाना किस तरीके से यूज किया जाता है, तो देखिए कोर्टाना जो है वो एक तरीके से आपकी एक वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब होता है एक आभासीय असिस्टेंट, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर में होती है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है, जैसे कि आपने जैसे कि आप सर्च करते हो ना कोई भी चीज, तो सर्च करते हो तो आप क्या करते हो, टाइप करते हो। ठीक है, इसी तरीके से कोर्टाना में भी क्या होता है, सर्च होती है, एक सर्च बॉक्स की तरह कार्य करती है। तो आप जो भी चीज अभी तक आप गूगल सर्च इंजन पर या इस तरीके से कोई भी चीज टाइप करके सर्च करते हो ना, इसी तरीके से कोर्टाना भी आ गई। तो कोर्टाना भी क्या करती है, आपको एक बॉक्स प्रोवाइड करती है, उसमें आप जो भी चीज सर्च करना चाहते हो वो चीज फटाफट आपको सर्च करके दे देती है। तो जो कोर्टाना है बेसिकली वो एक सर्च बॉक्स की तरह कार्य करती है। तो यहाँ कह लीजिए सर्च बॉक्स का ये एक नया और दूसरा नाम है। तीसरा जो है, दर्शाएगा एक चित्र में खाली स्थान को नामांकन करें। ये देखो ये खाली स्थान है, मतलब ये यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क लगा के, ये जो चीज है ये क्या है। ठीक है, तो देखिए जो भी ये चीज होती है ना, जो जिसमें आप इसको क्या माउस से पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना, या माउस से पकड़ के इधर दाएं बाएं कर सकते हो, तो ये जो चीज है जिसको आप माउस से पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हो, ये चीज कहलाती है स्क्रॉल बार। ठीक है, बेसिकली आपने देखा होगा ना ब्लू कलर की लाइन होती है, माउस से क्लिक करते हैं और उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, माउस से लेफ्ट क्लिक करते हुए फिर नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये ऊपर नीचे होती है, इसका हम स्क्रॉल बार कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, स्क्रॉल बार। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कब बताया गया है कि जो चित्र में ये दिया गया है ये किसका उदाहरण है, यानी ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ये कंप्यूटर में ये किसका उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बेसिकली रिसाइकल बिन, लेकिन किस रूप में दिख रहा है, आइकन के रूप में। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो प्रकार के, एक कमांड के आधार पे चलता है, एक ग्राफिक्स के आधार पे चलता है। ग्राफिक्स के आधार पे वो होते हैं जिन पे हम जो कि हमको सीधे सीधे से चित्र के रूप में दिखते हैं आइकन्स, इन पे जस्ट हम क्लिक करते हैं और ये जिस पे भी हम क्लिक करते हैं वो चीज ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे रिसाइकल बिन दिख रहा है ना, आप इस पे क्लिक करोगे जस्ट झट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखो आपको फोल्डर दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। तो ये जो इंटरफेस है बेसिकली क्या है, ये GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका GUI। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। अब इनमें से बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके नाम आप याद रख लो, जैसे कि लिनक्स है, विंडोज है, यूनिक्स है, ये क्या है, विंडोज एनटी है, ये मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नॉर्मली यूज में आते हैं सब लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं लिनक्स, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यूनिक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो जो राइट आंसर है इसका वो क्या होगा, बी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसने पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। नंबर 6, दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को भरे। अब यहाँ पे बताना है खाली स्थान में कि ये जो चीज है, नहीं ये चीज यहाँ पे दिख रही है टास्क बटन, हाँ ये पूछ रहा है वो कि ये जो चीज है ना ये क्या है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहा है ना, ये चीज क्या कहलाती है। तो देखिए ये जो चीज है ना, ये जो आपको ये पट्टी से दिखती है ना ब्लैक कलर की, ये टास्क बार कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, टास्क बार। और ये जो आपको यहाँ पे बटन दिख रहा है ना, इसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। इस तरीके से विंडोज का आइकन दिखता है ना, यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ से आप शट डाउन कर देते हो सिस्टम को, यहाँ से आप रीस्टार्ट भी कर लेते हो सिस्टम को। तो बेसिकली इसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। और ये जो आपको लाइन दिखती है ना ब्लैक कलर की, जिसमें आपको आइकन दिखते हैं नीचे की तरफ, इसको हम टास्क बार कहते हैं। तो जो उचित आंसर है वो क्या है, आपका टास्क बार। अगला देख लेते हैं,
तो यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को स्टोर करता है। अच्छा, पूछा गया है जैसे कौन सा फोल्डर ऐसा है जो कि आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, डिलीट की गई फाइल का ये मतलब है कि जैसे कि हमारे घर में कचरा होता है ना, उसको हम हटाते हैं और फेंक देते हैं। अब हम कहाँ फेंकते हैं, तो डस्टबिन में फेंकते हैं। इसी तरीके से जो भी फाइल को हम कंप्यूटर से हटाते हैं ना, वो भी एक डस्टबिन में जाती है और उस डस्टबिन को हम कहते हैं रिसाइकिल बिन। तो हमारे द्वारा डिलीट की गई जो फाइल है ना, वो रिसाइकिल बिन नाम के फोल्डर के अंदर चली जाती है, या कह लीजिए रिसाइकिल बिन नाम का जो आइकन होता है उसके अंदर चली जाती है। आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? ठीक है, विंडोज स्टोर से क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, आप यदि एंड्रॉयड मोबाइल फोन चलाते हैं तो आपने एक प्ले स्टोर देखा होगा। आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं, देखिए, आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन चलाते हैं तो आपने एक प्ले स्टोर देखा होगा। प्ले स्टोर से आप क्या करते हो, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो। ठीक है, इसी प्रकार एक ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज स्टोर आता है। ठीक है, विंडोज स्टोर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, किसी वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। एंड्रॉइड मोबाइल फोन में सिर्फ आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, लेकिन यहाँ जो विंडोज स्टोर है ना, इसकी सहायता से आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, इसकी सहायता से आप वीडियोज को भी डाउनलोड कर सकते हो, गेम को भी डाउनलोड कर सकते हो, इत्यादि कई चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तीनों दिख रहे थे कि ऐप डाउनलोड, वीडियो डाउनलोड, गेम डाउनलोड और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो उचित आंसर है वो हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, दर्शाए गए कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पे आपको बताना है खाली स्थान कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यूजर एप्लीकेशन हार्डवेयर। ठीक है, तो देखिए यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन काम करता है, तो देखिए यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में काम कौन करता है, देखिए ये मैं किसका यूज कर रही हूँ, ये मैं माउस का यूज कर रही हूँ। तो ये जो माउस है मेरा क्या है, हार्डवेयर है। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, एप्लीकेशन है। ये जो जिसके ऊपर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये एक पावर पॉइंट एप्लीकेशन है। अब मैं इसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी करती हूँ, जैसे कि बैक स्पेस दबाती हूँ, एंटर दबाती हूँ, तो मेरा काम कुछ ना कुछ हो रहा है ना। तो जैसे ही मैं बैक स्पेस दबाती हूँ क्या होता है, बैक चला जाता है ना, पीपीटी मेरी बैक चली जाती है। एंटर दबा रही हूँ अपने कीबोर्ड से तो वापस से आ रहा है मेरा ये डायग्राम। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है वापस से आ रहा है। तो बेसिकली जैसे मैं की प्रेस करती हूँ कौन काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना डेस्क के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। अब इनमें से कौन सी चीजें, इसके बिना कंप्यूटर डिवाइस काम ही नहीं करती, कंप्यूटर से वह ढांचा रह जाता है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिर्फ दिखने दिखने भर का है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होने से ही आपका कंप्यूटर काम करने के लायक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये तो आपके थे असेसमेंट क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके असेसमेंट में आ जाएंगे, ये क्वेश्चंस आपके जो मेन एग्जाम है उसमें भी आ जाए, है ना। मेन एग्जाम में असेसमेंट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आपको पढ़ा रही हूँ वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। असत्य कथन को पहचाने, इनमें से बताइए असत्य यानी गलत कथन कौन सा है। तो आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को रिट्रीव कर सकते, तो ये वाली बात सही है। आप जैसे कि अपना कोई कचरा डस्टबिन में डाल देते हो, वो वाली बात दूसरी कि हम नहीं उठा सकते, लेकिन लेना चाहते ले सकते, वो वाली बात दूसरी कि कचरा जो है वो तो हम डस्टबिन से उठाते नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप कोई भी फाइल डिलीट करते हो ना, तो वो कंप्यूटर का डस्टबिन है, उसको हम बोलते हैं रिसाइकिल बिन। तो डिलीट की गई फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाती है। लेकिन अगर आपको मान लो डिलीट करने के बाद लगा नहीं नहीं ये फाइल तो मेरी जरूरी है, तो आप रिसाइकिल बिन का फोल्डर खोल के उस फाइल को वापस से ले सकते हो, पुनः प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकिल बिन के किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित यानी रिस्टोर कर सकते हो। हाँ, ये की बात हो गई, यानी आप रिसाइकिल बिन से यदि आपको जरूरत है तो दोबारा से फाइल ले सकते हो, यदि वो रिसाइकिल बिन में है तो। आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हो। देखो ये वाली बात गलत है, यहाँ पे राइट का निशान भी लगा हुआ है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये गलत है भाई। देखो कंप्यूटर की क्या मेमोरी है, अब जो रिसाइकिल बिन के अंदर भी जो फाइल डिलीट होकर जा रही है ना, वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी को ही घेर रही है कंप्यूटर के, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कोई फाइल डिलीट की वो रिसाइकिल बिन में चलेगी तो आप सोचोगे कि मेमोरी खाली होगी, नहीं होगी, क्योंकि भाई वो जो फाइल है वो रिसाइकिल बिन भी कहाँ है, कंप्यूटर के अंदर ही तो है ना। तो
रिसाइकल बिन भी किसी ना किसी मेमोरी में तो स्टोर कर रहा है उस फाइल को, तो ऐसा नहीं कि आपने फाइल डिलीट कर दी तो मेमोरी से चली गई, भाई मेमोरी की जगह खाली नहीं होती, वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। यदि आपको वास्तव में मेमोरी खाली करनी है तो रिसाइकल बिन में से भी उस फाइल को हटा दें, ठीक है। तो ये जो है ना कि आप रिसाइकल बिन में फाइल भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिक्त स्थान तभी बढ़ेगा जब रिसाइकल बिन के अंदर रखी हुई फाइल को भी आप डिलीट कर दोगे। आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रिसाइकल बिन का जो आइकन है उस पर आप राइट क्लिक करना, वहां से ऑप्शन आता है सारी फाइलों को डिलीट करने का, तो आप वहां से फाइलों को डिलीट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखना उदाहरण नहीं है पूछा है। तो देखो विंडोज 8.1, देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी है ना ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। लिनक्स भी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन जो यूनिक्स है, यूनिक्स ध्यान रखिएगा, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कमांड के आधार पर चलता है, ठीक है। तो जो यूनिक्स है ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो तीनों है ना ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को धारण है, विंडोज मैक लिनक्स। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? आप बताना इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वैसे तो राइट का निशान लग रहा है, तो देखिए विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वीएलसी मीडिया प्लेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब एडिटर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इनने पूछा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आ रहे हैं, प्लीज आप सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद रख लेना। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाली एप्लीकेशन के आइकन है और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि टास्क बार में एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। टास्क बार का होता है, आपको जस्ट बताया ये पूरी जो पट्टी है ना नीली है जो नीचे दिख रही है आपको, ये पूरी टास्क बार है। ये माउस का कर्सर जरा ध्यान से देख लेना वीडियो में, है ना, गौर से, कि पूरी टास्क बार है और इसमें जो आपको आइकन दिख रहे हैं, जो टाइम वगैरह दिख रहा है ना, ये इतना एरिया कहलाता है सिस्टम ट्रे, ठीक है। अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं कर सकता है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक बार में सिस्टम कई सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है, नहीं कई सारे कार्य कर रहा है। तो देखिए जो भी आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये मल्टीटास्किंग होते हैं, तो चाहे वो विंडोज 98 हो, विंडोज NT हो, चाहे विंडोज XP है, ये सभी कैसे हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। लेकिन MS-DOS जो है विंडोज के पहले आया था ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये मल्टीटास्किंग नहीं था, ये क्या था, सिंगल टास्किंग था। सिंगल टास्किंग का ये मतलब है MS-DOS ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें सिर्फ एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म हो सकता था। आज की तरह नहीं कि आप गाने भी सुन लो, आप डॉक्यूमेंट्स भी बना लो, आप प्रिंट भी निकाल लो, आप कितने सारे कंप्यूटर से एक साथ में एक बार में काम करते हो ना, गाने भी सुन लेते हो, मूवी भी देख लेती हो, उसी टाइम पे नेट भी चला लेते हो, उसी टाइम पे डॉक्यूमेंट भी बना लेते हो, प्रिंट भी दे देते हो। लेकिन एक टाइम था जब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था और उस टाइम पे आप ऐसा नहीं कर सकते थे। यदि आप प्रिंट दे रहे हो तो सिर्फ प्रिंट ही दे पाओगे, डॉक्यूमेंट टाइप करो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट ही टाइप कर पाओगे, गाना सुन रहे हो तो सिर्फ गाना ही सुन पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है? ठीक है, अब ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बताएं, इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सी विंडोज ऐसी है जिसमें प्रारंभ यानी स्टार्टिंग बटन नहीं आता। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं आता, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज 8। ठीक है, विंडोज 8 जो है उसमें विंडोज के में प्रारंभ बटन नहीं होता, नहीं स्टार्ट बटन नहीं होता विंडोज 8 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो विंडोज 8 होगा। बाकी आप ध्यान रख लीजिएगा विंडोज विस्टा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें प्रारंभ बटन होता है, विंडोज 10 में भी होता है, आपने देख ही लिया है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि विंडोज 8 ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें प्रारंभ बटन नहीं होता था। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए डॉस, MS-DOS हम देखते हुए आ रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी हमने जस्ट देखा जो कि मल्टीटास्किंग नहीं होता, यानी एक बार में एक ही टास्क करता है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओरेकल एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। एक डैश उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 है इसका जो उचित आंसर है वो होगा फोल्डर, है ना,
फोल्डर एक ऐसा स्थान होता है या ऐसा नाम होता है जिसके अंदर हम फाइलों का संग्रह करते हैं, ठीक है। तो जब हमें कई सारी डिफरेंट फाइलों को स्टोर करना होता है ना, तो अलग अलग फाइलों को हम एक किसी एक फोल्डर में जाकर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो फाइलों का संग्रह फोल्डर में होता है। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। अब बताइए, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग हम क्यों करते हैं? एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग, सिस्टम को बंद करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है 9th का, वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। देखिए, विंडोज में जो स्टार्ट बटन है ना, वो कई तरीके के काम करता है। एप्लीकेशन को भी आप वहां से चालू कर सकते हो, आप डिवाइस की सेटिंग भी स्टार्ट बटन से कर सकते हो, है ना। आपको जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे ना, डिवाइस सेटिंग के भी ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएंगे सर्च करते ही। सिस्टम को बंद कर सकते हो, मास्टर शटडाउन का ऑप्शन आपको स्टार्ट बटन पे मिल जाता है ना। तो उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, तब क्या होता है? निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। भाई देखो, डायरेक्टरी मतलब सीधी सी बात हो गई फोल्डर, है ना। जब आप किसी फोल्डर को, मान लो कोई फोल्डर आपका डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है और उस फोल्डर को आप डेस्कटॉप पे लेकर आए हो, तो क्या उस फोल्डर के अंदर की सारी फाइलें आ जाएंगी उसको डेस्कटॉप पे लाते? हाँ बिल्कुल आ जाएंगी। आप एक फोल्डर को एक जगह से कट करो, दूसरी जगह पेस्ट करो, तो उसकी सारी फाइलें वहां पे पेस्ट हो जाएंगी। तो ये तो सही है। उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं। हाँ, जब भाई आप किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे या किसी डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, तो उसके अंदर रखी हुई सारी फाइलें मूव कर जाएंगी, है ना। यानी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें ना, वो एक बार में मूव कर जाएंगी। आप पूरा फोल्डर इधर से उधर शिफ्ट कर दो। निर्देशिका को स्थानांतरित किया जा सकता है, स्टोर फाइल को नहीं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सी ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये क्या कह रहा है? निर्देशिका, यानी जो भी निर्देशिका है, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, उनको तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन कह रहा है स्रोत फाइल को नहीं, यानी जो मेन फाइल है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं, आप सारी फाइलों को ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो सही आंसर है वो कौन से हमारे पढ़ रहे हैं? ए सही आंसर है, बी ए सही आंसर है। तो डी का जो ऑप्शन है ना, वो ये कह रहा है कि ए और बी सही आंसर है। तो हाँ, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। फाइन, ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।